Assalamu alaikum warahmatullah. Bacho, today we will discuss another topic of female reproductive system, that is uterus. Uterus. Iska dusra naam hai hyastra. Hyastra. इसका तीसरा नाम है मित्रा मित्रा हायस्टरा मित्रा। अगर हम देखेंगे बेटा, ये पियर शेप्ड होता है लाइक दिस वे। ये पियर शेप्ड होता है, ऐसे होता है, ऐसे नीचे नैरो होता है, ऊपर वाइड होता है। और यहां से आप लोग जानते हैं, यहां से होता है फेलोपियन ट्यूब्स लाइक दिस। दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स एंड हियर इट इज लाइक दिस। क्लियर? तो इसको हम यहां यूट्रस के नाम से पुकारेंगे, यू नो दैट। अगर हम इस यूट्रस को देखेंगे, वो पहला पॉइंट जो हमने सीखा है, ये होता है पियर शेप इनवर्टेड, यानी टांग आसन से सुई फिर इस दुब, तो वही होता है यूट्रस की शेप। और यूट्रस कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लेडर ऑफ द फीमेल। इसका मतलब है ये यूरिनरी ब्लेडर और रेक्टम के बीच में होता है। कौन? यूट्रस। अगर हम इसका साइज देखेंगे बेटा, इसका साइज होता है 7 × 5 × 2 सेंटीमीटर्स इन वी कैन से दैट इन नलीपैरस फीमेल। नलीपैरस फीमेल मीन जिसने अभी कोई बच्चा नहीं दिया, यानी अनमैरिड फीमेल। लेकिन जो मैरिड फीमेल होती है, जिसने बच्चा दिया हुआ होगा, उसको ये यूट्रस का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शन है इट इज responsible for the development of the we can say that fetus. Fetus को develop करने में ये मदद करता है, number one. Number second, इसकी function जो है क्या कि ये एक तो develop करता है बच्चे को, fetus को ये develop करता है, और दूसरा ये इसको बांध के रखता है, यानी बंध हो, anchoring उसको हम कहते हैं, anchoring इसको बांध के रखता है uterus। फीटस को बांध के रखता है, इसको डेवलप भी करता है, और इसकी जो थर्ड फंक्शन होती है बेटा, दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वी कैन से दैट नरिशमेंट ऑफ द फीटस। नरिशमेंट ऑफ द फीटस। क्लियर? वी कैन से दैट इट इज फंक्शन इज एनकॉरिंग, इट इज फंक्शन इज नरिशमेंट, एंड इट्स फंक्शन इज डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। क्लियर बेटा? ओके। अगर हम देखेंगे इस यूट्रस को, यूट्रस की बात अगर हम आगे लेंगे बेटा, यूट्रस को बांध के रखते हैं, यानी यूट्रोजन बंद करित विद द हेल्प ऑफ थ्री लिगामेंट्स। नंबर वन इज कॉल्ड एज कार्डिनल लिगामेंट। दिस इज द फर्स्ट लिगामेंट जो इसको बांध के रखता है। किसको रखता है? यूट्रस को, यानी जो बांध था वन, दैट इज कॉल्ड एज कार्डिनल लिगामेंट। ये कनेक्ट करता है यूट्रस को, यूट्रस को किसके साथ बांध के रखता है? यूट्रस विद, विद का सिक एक बोन होती है यहां, दैट इज कॉल्ड एज इस्चियम बोन। आपने 11th में पढ़ा होगा ये बोन, इस्चियम बोन, ISCHIUM, इस्चियम बोन। नंबर सेकंड लिगामेंट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्यूबोसैक्रल लिगामेंट।
पीबो सर्विकल लिगामेंट। ये क्या करता है, ये यूट्रस को कनेक्ट करता है विद प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस आपने पढ़ा होगा, यहाँ से एक बोन होती है कॉक्सल बोन, यहाँ से कॉक्सल बोन, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और उस फ्यूजन को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। उसके साथ कनेक्ट करता है कौन सा लिगामेंट कनेक्ट करता है, प्यूबो सर्विकल लिगामेंट, यानी ये कनेक्ट करता है यूट्रस को विद प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर? ओके बच्चों, नंबर थर्ड अनदर लिगामेंट दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। थर्ड वन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। नंबर वन कार्डिनल लिगामेंट, नंबर सेकंड प्यूबो सर्विकल लिगामेंट, एंड नंबर थर्ड इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। This ligament connects the, we can say that, किसको? Uterus को, ये वाला, uterus को connect करता है with sacral bone. Sacral bone भी होती है बेटा इसी pelvic region में, वो ये uterus को connect करता है with cusped sacral bone. Uterus with sacral bone, ठीक है ना बच्चों? किसके साथ कनेक्ट करता है? सैक्रल बोन के साथ कनेक्ट करता है। देखो, अगर मैं यहां बनाऊंगा दो मिनट के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये है यूट्रस, दो मिनट के लिए यहां, इसके आगे यहां ये होता है वजीना, मेल का एक और रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन यूट्रस, देखो बच्चों मेरी तरफ, यूट्रस ऐसे होता है, मान लो ये यूट्रस है और वजीना थोड़ा ऐसे होता है, यहां एक एंगल बनता है जिस एंगल का नाम हम देते हैं फॉर्निक्स। इस एंगल का नाम क्या है बेटा? फॉर्निक्स। एंगल बिटवीन द यूट्रस एंड वजीना इज कॉल्ड एज फॉर्निक्स। क्लियर? इसके बाद अगर हम यहां नजर मारेंगे बेटा यूट्रस की तरफ, यूट्रस के लोअर इट इज डिवाइडेड, मैं बोलूंगा ऐसे, ये है इसका, अभी मैंने बोला, अगला बच्चों खुद बोलो ये क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, ये भी यहां से क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, और यू नो दैट लाइक दिस से यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ऊपर वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और यानी विच इज अबोव द कॉर्नुआ, ये कॉर्नुआ मैंने बोला था आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में, ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस, हियर इट इज कॉल्ड एज कॉर्नुआ। इसके ऊपर ये जो डोम शेप थोड़ा पोर्शन रहता है इसका नाम, और ये, और ये लोअर वाला पोर्शन जो होता है, ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं फंडस, यह इसका नाम आता है फंडस, विच इज अबो द कॉर्नुआ, कॉर्नुआ ये है, अबो द कॉर्नुआ दैट इज कॉल्ड फंडस। ये वाला पोर्शन कहलाता है बॉडी, मेन पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज बॉडी, एंड लोअर वाला पोर्शन जो है ये, यानी ये वाला पोर्शन, इसका हम नाम देते हैं बेटा सर्विक्स। क्या नाम देते हैं बेटा? सर्विक्स। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा? फंडस। बीच वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा? बॉडी। और लोअर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? सर्विक्स। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, जो ये बॉडी होता है इसी में बच्चा डेवलप हो जाता है, ठीक, वो इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है ना बच्चों? देखो अगर मैं यहां और एक बार बनाऊंगा दो मिनट के लिए, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, व्हाट इज दिस हियर, दिस इज वजीना। देखो बच्चों ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज सर्विक्स, यहां से ये वाला पोर्शन सर्विक्स है ना, ओके, इस वाले पोर्शन में यहां एक ओपनिंग होती है, लाइक दिस इज एन ओपनिंग एंड दिस इज एन ओपनिंग, ये भी ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस, ठीक, इस वाले ओपनिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, पूरा समझना, ये जो इंटरनल ऑस है ये ओपनिंग है जो किस में ओपन हो जाता है, इनटू द बॉडी, क्लियर, ये जो ओपनिंग है ये किस में ओपन हो जाता है, इनटू द वजीना, और बीच में एक किनाल बनती है, ये वाली किनाल, इस किनाल का नाम आता है बेटा सर्विकल किनाल, ठीक, इसी का दूसरा नाम है बर्थ किनाल, ठीक है ना बेटा, इसका नाम है सर्विकल किनाल
और इसी का नाम आएगा बेटा बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल तब बोलेंगे अलॉन्ग विद वजीना। ये क्या है? ये है वजीना, अनदर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका नाम है वजीना। क्लियर? वो सर्विकल कैनाल और वी कैन से दैट बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल अलॉन्ग विद वजीना। ठीक। अगर हम देखेंगे ये जो यूट्रस है हमारे पास, इसकी हिस्टोलॉजी पे नजर मारेंगे बेटा, इंटरनली ये ऐसे में बनाऊंगा, ऐसे में बनाऊंगा लाइक दिस वे। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज पेरिमेट्रियम और इनर लेयर इज कॉल्ड एज ये वाली लेयर इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। बीच में भी एक लेयर होती है मायोमेट्रियम, लेकिन ये दो मेन है, पेरिमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है दिस इज इनर लेयर, ये जो पेरिमेट्रियम है दिस इज आउटर लेयर। ठीक। वी कैन से दैट जो हमारे पास आउटर लेयर है दैट इज द लेयर ऑफ पेरिटोनियम, और लेकिन ये इनर वाली लेयर दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की अगर हम यहां बात करेंगे, एंडोमेट्रियम ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है, हाईली वेस्कुलराइज्ड। ये वो लेयर होती है जो दिखाती है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल। मींस यही लेयर हो जाती है इरोड ऐसे और फीमेल को हो जाती है ब्लीडिंग, यही लेयर वापस बनती है फीमेल को रुक जाती है ब्लीडिंग। वो यही वो लेयर है जो क्या दिखाती है साइक्लिक चेंजेस कब? ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल। कौन सी लेयर? दैट इज एंडोमेट्रियम। क्लियर? वो एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जो क्या दिखाती है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज ऑल अबाउट यूट्रस। बच्चों आपको इंशाल्लाह समझ आया हुआ होगा कि यूट्रस का दूसरा नाम है हाइएस्ट्रा, तीसरा नाम है मेट्रा। इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, यानी शासन टांगिक पॉइंट, नीचे नैरो होता है ऊपर वाइड होता है। ठीक है ना बच्चों? इसमें बच्चा बनता है, इसमें बच्चा बांध के रहता है, इसमें बच्चे की नरिशमेंट मिलती है। इसका साइज जो होता है वो होता है 7.5 × 5 × 2 इन नेलीपैरिस। नेलीपैरिस मीन जो अनमैरिड फीमेल है, साइज छोटा उस पर होता है। लेकिन जो मैरिड होती है, जिसका बच्चा होता है, जिसने बच्चा मतलब पैदा किया हुआ होता है, तो कोई बच्चा मतलब एक दो बच्चे उसका, फिर यूट्रस अगर हम देखेंगे वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द नेलीपैरिस। उस वुमेन को फिर बोलते हैं मल्टीपैरिस, वी कैन से दैट फीमेल। अगर हम इसकी मतलब शेप को देखेंगे, ये ऊपर वाले पोर्शन को जो कार्डिमा के ऊपर होता है फंडस बोलते हैं, बीच वाले पोर्शन को बॉडी कहते हैं, नीचे वाले पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे सर्विक्स के दो ओपनिंग्स होते हैं, एक टुवर्ड्स द वजीना कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑस, एक टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द यूट्रस कॉल्ड एज इंटरनल ऑस। बिटवीन द टू ऑस वी कैन से देयर इज ए कैनाल कॉल्ड एज बर्थ कैनाल, और उसी कैनाल को हम बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी पे नजर मारेंगे, आउटर मोस्ट लेयर को पेरिमीट्रियम कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम मेन लेयर होती है, तो जो हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है और जो दिखाती है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है ना बेटा? तो ऑलमोस्ट इट इज डन। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम डिस्कस किसके ऊपर, दैट इज वजीना।